हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान प्रदेश में आरबीएससी क्लास 10 ट्वेल्थ की जो बोर्ड एग्जाम है आपकी, होने की संभावना जताई जा रही है कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो होंगी कक्षा 10वीं की भी और 12वीं की भी। आज की मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता देता हूँ। न्यूज 18 राजस्थान के ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियली ट्वीट आया है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो हो सकती हैं और जून जुलाई के मंथ में। तो अगर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो जून जुलाई के मंथ में होती हैं तो आप अपनी तैयारी कैसे करें? काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर, अगर परीक्षाएं होती है तो हमने तो पढ़ाई छोड़ दी है, हमें तो डर लग रहा है, हम वापस से कैसे तैयारी करेंगे, वापस से उस तरीके से हम कैसे पढ़ पाएंगे जो तैयारी हमारी पहले थी जब एग्जाम होने वाली थी मई मंथ में। तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा, अभी भी आपके पास समय है, डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी भी आपके पास समय है, आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं और आपको समय दिया जाएगा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं कि भाई आपको कल बोल देंगे कि आपकी एग्जाम होने वाली है, आपको बिल्कुल 1-1.5 महीने आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम करवाना इतना आसान नहीं है, एग्जाम करवाने में काफी सारा समय लगता है और वो समय आपको तैयारी के लिए दिया जाएगा। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप इस समय के अंदर कैसे पढ़ाई करें, वापस से रिवीजन किस तरीके से करें, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करना होगा, तो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। काफी अपडेट भी करूंगा, जो भी अपडेट आ रही है, जो भी सिचुएशन बन रही है, नए पैटर्न के आधार पर एग्जाम होगी या नहीं होगी, क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें नहीं हो रही हैं, तो सारी बात मैं करने वाला हूं क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा आपसे कि अभी जो अपडेट आ रही है कि आपकी एग्जाम हो सकती है क्लास 10th की 12th की, कोविड-19 के चलते आपकी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई थी और खबरें ये आ रही थी कि भाई एग्जाम नहीं होगी, स्पेशली आरबीएससी 10th क्लास की जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दी जाएगी, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। काफी अभिभावक ने भी जो है अपील की थी सरकार से, शिक्षक ने भी अपील की थी, शिक्षक संघों ने अपील की थी, काफी शिक्षा मंत्रियों ने भी अपील की थी कि भाई आपकी जो एग्जाम है वो क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए और सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कई बार बयान आ गया, वो साफ कह रहे हैं कि आपकी एग्जाम होगी और डेफिनेटली होगी, चाहे हम थोड़ा लेट करा लें लेकिन आपकी एग्जाम को कराया जाएगा। और इसी बीच जो मीटिंग हुई थी सीबीएसई की और 1 जून को जो फैसला आने वाला है, जिस फॉर्मेट को लेकर जिन पे सभी राज्यों ने अपनी सहमति जताई है कि भाई इस फॉर्मेट पर आपकी एग्जाम होनी चाहिए, और तो राजस्थान की बात ये सामने आ रही है कि राजस्थान उस फॉर्मेट पर जो है अपना मतलब सहमति नहीं जता रहा है। वो ऐसे बोल रहा है कि जो पुराना फॉर्मेट है, जो आपका पहले वाला एग्जाम का फॉर्मेट था, उसी फॉर्मेट के आधार पर आपकी एग्जाम होगी, उसी सिलेबस के आधार पर, उसी परीक्षा पैटर्न के आधार पर आपकी एग्जाम कराई जाएगी, आपके परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ही पेपर छपवा लिए हैं, करोड़ों का पहले ही निवेश कर चुके हैं वो, तो वापस से अगर वो सारी प्रक्रिया होती है, वापस से पेपर छपवाते हैं, एग्जाम पैटर्न को चेंज करते हैं, तो आपको भी दिक्कत आएगी और आरबीएससी बोर्ड को भी काफी जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनका कहना है कि राजस्थान चाहता है बच्चों की एग्जाम हो जाए, थोड़ी परिस्थितियां सामान्य हो तभी एग्जाम की जाए, वही 3 घंटे का राजस्थान के अंदर पेपर हो, क्लास 10th का भी 12th का भी, और पेपर वही पुराने आपको दिए जाए जो छप चुके हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि भाई आपका जो सर्वांगीण विकास है, आपका जो पूरा फ्यूचर है, वो क्लास 10th और 12th पे टिका हुआ है, इसलिए आपकी एग्जाम कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे परिस्थितियां सामान्य होंगी आपकी एग्जाम ले ली जाएगी। तो एग्जाम तो होने वाली है, ऐसी खबरें आ रही हैं और 99% पॉजिटिव ही है कि भाई आपकी एग्जाम हो सकती है। तो अब काफी सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, सर कोविड हो रहा है, सर काफी परिस्थितियां हैं, सर बहुत ज्यादा नेगेटिव आप सोच रहे हो। यार नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? आपने मेहनत तो पहले की थी, कोविड नहीं आया उससे पहले आपने मेहनत की थी ना यार, आप लोगों ने सबने मेहनत से पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा आपने सिलेबस कम समय के अंदर आपने पूरी सिलेबस को कवर कर लिया था, और आरबीएससी बोर्ड ने आपको 60% सिलेबस के लिए बोल दिया कि भाई आपको 100 नहीं पढ़ना, आपको ओनली 60 पढ़ना है, और आपने 60 पढ़ा क्योंकि आपकी ऑफलाइन पढ़ाई हुई थी लगभग 3 महीने के आसपास, तो आपने 60% ही पढ़ा था। उसके बाद आपका पैटर्न भी चेंज कर दिया था, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी क्या कर दिया था आरबीएससी बोर्ड ने, चेंज कर दिया, बहुत इजी बना दिया था, 5 आपके सेक्शन कर दिए। पहले सेक्शन में आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर आएंगे, उसके बाद में सेकंड सेक्शन में आपके 2 नंबर के, फिर थर्ड सेक्शन में, फोर्थ सेक्शन में, फिफ्थ सेक्शन में, बहुत इजी कर दिया पूरा। और आपको वैकल्पिक क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, सेक्शन ई की बात करो तो उसमें तो आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन को आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे और
तीन में से आपको एक करना होगा, तो कौन सी बड़ी बात है। इसके अलावा सेक्शन डी की बात करूं तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के दो विकल्प दिए जाएंगे, दो में से आपको एक करना होगा। सेक्शन सी की बात करूं उसमें भी आपको दो विकल्प दिए जाएंगे बस ए और बी में, तो ए और बी तो आपका बिल्कुल ईजी है, उसमें वन लाइनर या ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब पूरा पेपर पैटर्न बहुत इजी था, पहले से इजी था, बट कोविड 19 के चलते आपके एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। गलती कहाँ हुई, गलती यहाँ हुई हमसे कि हमने पढ़ाई को ब्रेक दे दिया, हमने पढ़ाई को रोक दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, होती है गलती, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी फैल गई थी, कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। राजस्थान प्रदेश में इस बार जो सेकेंड वेव थी इसके अंदर डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कोविड के केस भी बहुत ज़्यादा आए, तो बहुत ज़्यादा संकट मंडरा रहा था कि यार एग्जाम हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे भी होपलेस हो गए, उनके पेरेंट्स भी होपलेस हो गए कि यार मुश्किल ही है, अब तो एग्जाम नहीं होगी। तो सभी बच्चों ने आज छोड़ दी कि यार एग्जाम नहीं होगी। ऊपर से फिर काफ़ी सारे जो लोग थे, काफ़ी सारे शिक्षक संघ और भी लोग थे, वो सपोर्ट कर रहे थे कि एग्जाम नहीं होगी, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि अन्य राज्यों ने भी बच्चों को प्रमोट कर दिया था, CBSE ने भी बच्चों को प्रमोट कर दिया था। तो राजस्थान में भी सोच लिया था कि भाई 10th क्लास के बच्चों को क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे और हमारी एग्जाम होगी नहीं। तो आप लोगों ने कर दी पढ़ाई बंद, तो थोड़ा नेगेटिविटी आ गई, बट कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस तो आपने पूरा पढ़ ही रखा है, आपको तो रिवीजन करना है और अभी भी समय है, अभी भी लगभग आपको 1.5 महीने का समय दिया जाएगा। जैसे एग्जाम होती है, तो मैं बता रहा हूं आपकी एग्जाम कब से हो सकती है, मिड जुलाई से आपकी एग्जाम होगी, 15 जुलाई से। 15 जुलाई से पहले कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने का समय तो दिया जाएगा, क्योंकि आपका टाइम टेबल जारी होगा। सबसे पहले 1 जून को CBSE का आएगा, उसके करीब 10 दिन बाद तो RBSE करेगा कि भाई हम करते हैं, आपका टाइम टेबल जारी, तो 10 दिन तो उसमें लग जाएंगे। टाइम टेबल जारी होने के बाद करीब आपको 1 महीना तो मिलेगा ही मिलेगा, डैम श्योर आपको 1 मंथ दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी एग्जाम होगी। तो लगभग 1.5 महीना आपके पास में है, 45 दिन के आसपास आप मान लो, ठीक है ना, अभी से 45 दिन मान लो। और ये 45 दिन आपको कैसे तैयारी करनी है यार, 45 दिन में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। मैं आपसे हमेशा कहता था यार पढ़ाई मत छोड़ो यार, जो भी होगा फैसला मैं आपको बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा, पढ़ाई मत छोड़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। मैंने सभी कॉलेज विद्यार्थियों को यही बोला है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, फाइनल ईयर का हो, यार प्रमोट होंगे वो देखा जाएगा, बट पढ़ाई मत छोड़ो। थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ये होगा कि जो आपके सिलेबस आपने पूरा कवर कर रखा है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आप भूलेंगे नहीं, रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, जिन बच्चों की कंटिन्यूटी बनी हुई थी, रेगुलरिटी बनी हुई थी, उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है ना। उन बच्चों को दिक्कत आएगी जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, जिन्होंने बिल्कुल हताश हो गए थे यार एग्जाम नहीं होगी, तो अभी भी समय है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वापस से रनिंग में पढ़ाई आ जाएगी, वापस से सारी चीज़ आपको याद हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मटेरियल आपके पास सब कुछ है, आपके पास नोट्स हैं, बुक्स है, रेफरेंस है, सारी चीज़ है, फॉर आपको एग्जाम पैटर्न का पता है, सिलेबस का पता है, कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको पता है। हमारे चैनल पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, सामाजिक के, विज्ञान के, विज्ञान के तो हर चैप्टर के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वापस से मैं वीडियोज बना दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से फॉर्मेट से आपके क्वेश्चन बनेंगे, सब कुछ मैं आपको वापस से बता दूंगा, पूरा रिवाइज करवा दूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 दिन बहुत होते हैं रिवाइज करने के लिए, ये तो 10th वालों की बात रही, 12th वालों को तो फिक्स है, वो तो अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे, क्योंकि 12th जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो तो 11th 12th से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, नीट का, IIT JEE का, तो उनकी तो रनिंग में पढ़ाई होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि 11th 12th को तो पता ही है कि यार हमें तो हमारी एग्जाम तो फिक्स है, CBSE में फिक्स थी, तो RBSE में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो तो अपनी पढ़ाई रेगुलर कर ही रहे होंगे। 10th क्लास की बात है, 10th क्लास को आप 45 दिन मिल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको अब जो है, वैसे एक दिक्कत है, अभी भी एक दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। वैसे तो 99% आपका जो एग्जाम होता है राजस्थान में 10th क्लास का, तो वो पुराने फॉर्मेट के आधार पर ही होगा, पुराने एग्जाम पैटर्न के आधार पर, 3 घंटे का पेपर होगा, एग्जाम सेंटर पे ही होगा, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अगर CBSE का दबाव आता है, अभिभावकों का दबाव आता है, और भी लोगों का दबाव आता है, तो हो सकता है कि RBSE बोर्ड भी रियायत दे दे आपको, हो सकता है कि RBSE बोर्ड भी अपनी एग्जाम में कुछ चेंज कर दे आपके हित में, विद्यार्थियों के हित में कुछ परिवर्तन करे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। तो वो जो हमें सूचना मिलेगी उसका थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन जब तक वो सूचना नहीं आती, जब तक कोई अपडेट नहीं आती क्या फॉर्मेट चेंज होगा नहीं होगा, पुराना होगा, तब तक हमें पुराने से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है यार, क्वेश्चन तो वही आएंगे, सिलेबस तो वही आएगा, कुछ भी चेंज हो, फॉर्मेट चेंज हो, सिलेबस चेंज हो, पढ़ना तो वही पड़ेगा, चैप्टर्स तो वही हैं। तो 60% जो सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का, उसको आप रेगुलर पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, और पॉजिटिव
जाओ वापस से, क्योंकि आगे जाके आपको 11th भी पढ़नी है। ऐसा तो है नहीं भाई 10th क्लास की एग्जाम नहीं होगी तो हमारा करियर खत्म, सब कुछ बंद, नहीं, 11th क्लास भी तो पढ़नी है। तो जितना जल्दी 10th से निपटेंगे उतना जल्दी 11th क्लास में पहुंचेंगे और वहां हमारी पढ़ाई शुरू होगी। और नहीं आप स्ट्रीम लोगे, साइंस लेगा कोई, आर्ट्स लेगा कोई, कॉमर्स लेगा, तो जल्दी से जल्दी 10th एग्जाम देकर फ्री हो जाओ, 11th क्लास में स्ट्रीम चूज करो और अपना करियर स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहो, प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। जिन बच्चों ने छोड़ दी होगी ना पढ़ाई, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं है यार, वापस से रनिंग में आ जाएगी, चीज़ें आपको याद हो रखी हैं, पढ़ रखा है सारा सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सारे चैनल पर ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है और आपको तो पता ही है क्योंकि आपने पहले भी ऑनलाइन पढ़ाई की हुई है, जब सेशन स्टार्ट हुआ था आपका, क्योंकि आपका सेशन तो लेट स्टार्ट हुआ था ना ऑफलाइन, ऑनलाइन तो पहले स्टार्ट हो गया था, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास को 10th क्लास में लास्ट सेशन में प्रमोट कर दिया गया था, कुछ पेपर उनके हुए थे, तो आप रेगुलर अपनी पढ़ाई जारी कर दो। तो बस ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, जो भी अपडेट आएगी तुरंत आप तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, जिसने छोड़ दी थी वो भी समय है कर दो, और पॉजिटिव रहो यार, बिल्कुल नेगेटिव कमेंट कर रहे हो आप, सर हमें कोरोना हो जाएगा, सर ऐसे, यार अब तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पढ़ना तो आपको ही है, तो आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद।